नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर। अब तक दोस्तों अपनी 23 क्लास हो चुकी है, ये 24वीं क्लास है जिसमें तीन पेपर अपन हल करेंगे। और प्रत्येक क्लास के अंदर दोस्तों आपकी 20 मिनट में मैंने चार या तीन पेपर करवाए हैं और यहाँ से प्रश्न रिपीट अवश्य होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, जैसलमेर की स्थापना हुई तो 12वीं शताब्दी में किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो महुआ। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? बाबूजी। राजस्थान राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सी सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो इसका हो जाएगा भड़ला फेज सेकेंड। फिर देखिए, मत्स्य संघ में वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी? तो डॉक्टर शंकरदेव राय समिति। फिर देखिए, राजस्थान चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो आनंद कुमार स्वामी। अगला देखिए, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना रहा? तो 24.8%। मणिकोल की फिल्म द्विधा किसकी कृति पर आधारित है? तो विजय दांदे था। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के सातवें अधिवेशन के अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई तो जुलाई 2021। बठनेर का किला किसने बनवाया? तो राजा भूपत ने। शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो चैत्र। संगतरासो के लेखक गिरधर आशिया। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? चुप। गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है शिव भस्मासुर की कथा पर। भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो 22 से 23%। फिर देखिए, संप्रदाय और प्रमुख पीठ चरणदासी की है दिल्ली में, अलखिया की है बीकानेर में, गुद्दड़ की है दादरा भीलवाड़ा में, नवल की है जोधपुर में। सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाक अवस्थित है तो बाला किला अलवर में। राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? मृत्युभोज। शैलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर सही है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान के अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर सही है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा नहीं वैसे बीज तबीजी में है, तबीजी अजमेर में। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 6। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के स्थापक कौन थे? तो अर्जुनलाल सेठी। फिर देखिए, वीर भारत सभा सभा में दो भारत चार, तो केसरी सिंह भारत और वीर भारत समाज की विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, तो सभा भारत। ठीक है, तारा राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है? तो तारागढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु से दिल जरा आज। ठीक है, तो देखिए, गुरु शिखर, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, ये उल्टा क्रम हो गया यानी अवरोही, और बढ़ता क्रम आरोही। तो तारागढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, गुरु शिखर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राजस्थान की रैंकिंग में राजस्थान से जोधपुर को कौन सी रैंक मिली? तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से जोधपुर को कौन सी रैंक मिली? तो ये 5वीं। और राजस्थान में उदयपुर को दूसरी रैंक, थोड़ा से ध्यान रखना। फिर देखिए, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है, टोंक, कोटा, अलवर में है। फिर देखिए, महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन, तो ये महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन है, ये प्रतापगढ़। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर, मेवाड़, भीलकोर, उदयपुर। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1949। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। पीछे एक वीडियो में मैंने दोस्तों राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, चारों की डेट, राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन रहे, लंबी अवधि और कम अवधि और कारण क्या था, वो सारा बताया हुआ है। आप वीडियो देखोगे पीछे तो पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। फिर देखिए, किस वर्ष में राजस्थान महिला आयोग की स्थापना की गई? 1999। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो उत्तरी क्षेत्र। फिर देखिए, किस लोक नृत्य में डंफली, घुराली, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कालबेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अर्जुन लाल जाट नौकायन सही है, अपूर्वी चंदेला निशानेबाज सही है, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक सही है, अवनी लेखरा भारोत्तोलन ये गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अवनी लेखरा है, ये सुमेलित नहीं है। अवनी लेखरा है, ये एक पैरा एथलीट खिलाड़ी है, इनका संबंध शूटिंग से है। फिर देखिए, खेजड़ली आंदोलन अमृता देवी, चिपको आंदोलन गोरा देवी, हपिको आंदोलन कर्नाटक में चला था, तीनों कथन सत्य है। पलाण क्या है? तो ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोड गढ़। अंग्रेजों को मुलकरा ठग किसने कहा? तो शंकरलाल सामोर ने। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? तो रखड़ी, मेमद, कंडोरा ये पहना जाता है, मोरखा नहीं पहना जाता। अरे मोरखा तो ऊंट का गालीचा है। फिर देखिए, और महिलाओं के मोरखा थोड़ी डाला जाता है। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की उपबोली है? तो मालवी की, तो रानी माल है, तो मैंने कल आपको बताया था ट्रिक से। पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जय नारायण व्यास। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या
के समाधान के लिए बनाई गई। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। नव नेस बिराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। तो ये 3 सही है और चौथा गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित किया। गलत है। 1857 की क्रांति का कोटा में नेतृत्व तो जयदाल और मेहराब खां। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नहीं है, है ना? तो सॉरी, ये प्रश्न ऐसे है, थोड़ा इधर से दबा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भू स्मारक स्थल सही सुमेलित है? तो देखिए, मानसीमा, भ्रंशस, तूर, बूंदी में ये सही सुमेलित है। ऊपर वाले 3 है वो सही सुमेलित नहीं है। सेंद्रा ग्रेनाइट, तो ये भू वैज्ञानिक स्मारक, ये कोकण जैसलमेर, तो कोकण जैसलमेर नहीं, ये पाली के अंदर है। अंकल वुड फोसिस पार्क, मंडोर, जोधपुर, तो नहीं, अंकल वुड फोसिस पार्क है ये जैसलमेर में है। फिर सेंट्रो सेंट्रो मेलो लाइट फोसिस पार्क। अगला प्रश्न देखिए, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की? तो तेज कवि जैसलमेरी। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? तो रामदेव जी। इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जयपुर। कौन सा आभूषण अंग से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मुंदड़ी, अंगुली में, नेवरी, पैर में, टड्डा, बाजू में, रम झोड़ कमर। तो रम झोड़ है वो कमर में नहीं, तो इसका हो जाएगा रम झोड़ है ये पैरों में। देखिए, अपने शादी वगैरह होती है तो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ना, झोड़ झोड़ गालियो झोड़। तो झोड़ है वो सबसे पहले पैरों से शुरू होता है या सर से? तो शायद पैरों से शुरू होता है, तो रम झोड़ पैरों में। फिर देखिए, राम सनी संप्रदाय की शाखा और संस्थापन करता, तो सापुरा शाखा है, तो सह से सापुरा और ये रामचरण जी हो जाएंगे। फिर देखिए, सिंहतल है तो संत हरि रामदास जी, खेड़पा है, खेड़ापा है तो संत रामदास जी, रेण है संत दरियाव जी। तो याद रखना, सापुरा शाखा रामचरण जी, सिंहथल शाखा हरि रामदास जी, खेड़ापा रामदास जी, ठीक है, रेण दरियाव जी। तो देखिए, जब भी हमें सिंह दिख जाए, क्या दिख जाए? सिंह दिख जाए, शेर दिख जाए, तो हम हरि को बजते हैं। किसको बजते हैं? हरि को बजते हैं, याद रखना, हरि को बजते हैं। तो हरि रामदास जी, तो ये तो है सिंह तल के, ठीक है। खेड़ापा शाखा है, इसके हैं रामदास जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित स्थान सुमेलित नहीं है? तो सिरे मंदिर जालौर में, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है, ना कि तिलवाड़ा बाड़मेर में। सुधा माता का मंदिर भीनमाल जालौर, विभीषण मंदिर के थुनकोटा। मान गढ़ नरसंहार कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो 52 घाट। ग्रास या जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो इसका स्टार दिया हुआ था, क्योंकि गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं ग्रास या जनजाति में। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 14 जिलों में। कितने जिलों में फैला हुआ है? 14 में। और इसके वो जोन पूछ ले तो 5 जोन है। निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो किशन बाग। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो नसीराबाद। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है, गलत है। वह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, सही है। उसका कार्य शिकायतों की जाँच करना है, ये भी सही है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया, ये भी सही है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति है, न्यायाधीश नहीं, राज्यपाल करता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है? तो छठे विधानसभा चुनाव में। फिर देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? तो देखिए, ये दायित्व है उपखंड अधिकारी यानी SDO। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो 1973। अब अगला तीसरा पेपर देखिए, नौटंकी है ये धौलपुर भरतपुर की फेमस है, रम्मत बीकानेर, तमाशा जयपुर का फेमस है, तुरा कलंगी मेवाड़ की फेमस है। फिर देखिए, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च जिले, तो उदयपुर अलवर। फिर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, केलवाड़ा 12। राजस्थान के संत पिंपा के गुरु रामानंद, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले, तो पाली जालौर। फिर देखिए, मुख्यमंत्री अनुपति योजना का संबंध तो प्रतियोगी परीक्षाओं से। फिर देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोहे, नाथरा की पाल, जिप्सम, जामसर, मैगनीज, कालाखूंटा, ये सही सुमेलित है। गार्नेट, सलादीपुरा, ये सही सुमेलित नहीं है। राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो जैसलमेर। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला, तो अंजना देवी चौधरी। राजस्थानी तारा भांत की ओढ़नी का पहनावा
किस में प्रचलित है? तो आदिवासी महिलाओं में। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें स्टार दिया गया है, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंगाचार्य ये सही है, हमीर माकवे, नयन चंद्र चूरी ये भी सही है, प्रबंध कोश या हरिसेन ये भी सही है। अब इसमें स्टार दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बम नृत्य, भरतपुर, गिद्ध नृत्य, शेखावाटी, ढोल नृत्य, जालौर ये तीन सही है। गैर नृत्य मेवात, मेवात तो मेवात यानी अलवर भरतपुर क्षेत्र आता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए, सारंगी है, ये लंगा जाति से संबंधित है, पुंगी कालबेलिया जाति से, कामयाचा मांगणियार से, रावण हत्ता भोपों से संबंधित है। फिर देखिए, किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार? तो बाबूलाल माटोरिया को। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रद्युमन सिंह। राजस्थान की मुकुंद्रा पहाड़ियाँ हिस्सा है, तो विंध्यन की पहाड़ियों का। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिला सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर और जोधपुर, गुरु जम्बेश्वर बीकानेर, जोधपुर जैसलमेर, पोकरण जैसलमेर और जोधपुर, वीर तेजाजी नागौर जोधपुर, तो वीर तेजाजी से सम्मिलित नहीं है। देखिए, इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं हैं और लिफ्ट नहरें, 7 लिफ्ट नहरें, 9 शाखाएं, उसका पूरा का पूरा चार्ट मैंने जो पहला वीडियो है उसके अंदर मैंने पूरा बताया, आप जरूर देखना। और ये तो ओल्ड हो गया, वन रिपोर्ट 2019, और कल वाले वीडियो में मैंने पूरी वन रिपोर्ट है वो भी मैंने आपको बताई है, वो भी आप देख लेना। फिर देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन संरक्षण क्षेत्र झुंझुनू में अवस्थित नहीं है? तो गोगेलाव ये नागौर में है, शकम्भरी, मनसा माता, बीड़ ये झुंझुनू में है। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? तो जैसलमेर। हड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान कारण प्रकार, हड़ौती में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, हड़ौती में वर्टिसोल पाई जाती है। राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम के अंदर कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल। और पश्चिम के जस्ट पास में यानी जो पाली वाला ये एरिया है इधर, तो यहाँ पर पाई जाती है एरिडिसोल। कौन सी? एरिडिसोल। जयपुर वगैरह इधर पाई जाती है अल्फिसोल, सिरोही वगैरह इधर पाई जाती है इनसेप्टिसोल, और नीचे हड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निगम रिको का गठन कब किया गया? तो इसमें स्टार दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का स्रोत शिखर है। तो देखिए, इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? तो 2 और 3, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, सही बात है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का स्रोत शिखर है, ये भी सही बात है। तो देखिए, इसमें 2 और 3 अवश्य हो जाएंगे। बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, ठीक है, ना कि कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य। एक ऊपर प्रश्न आया था रिको, तो देखिए, रिको की स्थापना तो हुई थी 1969 में, लेकिन इसका गठन 1980, तो इसमें स्टार दिया गया। अगला देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? तो राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। फिर देखिए, राजस्थान वित्त निगम 1955, काजरी 1959, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम 1980, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो द्वित 5वीं। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र तो जालौर। तो ये दोस्तों 3 पेपर थे, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।